गाइस हम लोग जा रहे फिश मार्केट। दिस इज फर्स्ट टाइम। फ्रेश रहता है तो कैसे पहचानते हैं? पकड़ा को ना सो उचलन दाखो तो। हां ए बगा सो ये भी मैरिनेट होगा। व्हाट अ ब्रेकफास्ट ऑसम। एक नंबर, देखो कैसी भाप निकल रही है। तबियत चीर। दिस इज व्हाट हॉलिडे मींस। वाओ गाइस, झन्नाटेदार मिसा खाना तो हो गया, अभी थोड़ा सा काम है वो फिगर आउट करते हैं, कुछ वीडियोस वगैरह देखते हैं, मस्त मजा करते हैं। आज तो थोड़ा सा रिलैक्स डे रहेगा, लेकिन मेरे को एक वीडियो ट्रिम करके देना है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करते हैं आपकी जिंदगी का प्रवास सुखर चल रहा होगा, मस्त एक नए दिन की शुरुआत और थोड़ा सा आराम करके फिर शाम में आज मोहतरमा को फिश खाने की क्रेविंग हो रही है। फिश खाने की, उसको फिश खाना है, मतलब फिश होटल में जाके नहीं खाएंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम विल बी ट्राइंग फिश एट होम, शिल बी कुकिंग द फिश। सो इस वीडियो में हम लोग आपको पूरी प्रोसेस दिखाएंगे फिश परचेस करने से लेके पुणे में फिश परचेस करना और उसका प्रिपरेशन, वो उसका पूरा वीडियो रहेगा। तो प्लीज व्लॉग में आखिर तक बने रहिएगा, बहुत ढेर सारा मजा आएगा। बेसब्रिया गाइस, हम लोग जा रहे फिश मार्केट। दिस इज फर्स्ट टाइम कि कौन सा फिश लाना है। रुको, मैं बहुत जगह पे ऐसे डिस्कस करी कि कौन सा फिश लाना चाहिए, दूसरा मैसेज आलेला है मला। सो गाइस, पता नहीं कौन सा फिश अच्छा होता है, कौन सा लाना चाहिए, कौन सा खाना चाहिए। सो अब अपन पूरी पीएचडी करके आएंगे, क्या लगता है? सो गाइस, अपन अभी जा रहे फिश मार्केट देखते हैं, बानेर के आसपास, बालेवाड़ी के आसपास अच्छा फिश मार्केट कहाँ पे, कौन सा अच्छा फिश मिलेगा, कुछ भी पता नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक घर पे फिश नहीं बनाए और खाए भी ज्यादा टाइम में 2-4 बार खाए होंगे, वो भी किसी लाए के साथ भी नहीं है। हाँ, लाए नहीं, घर में बनाए नहीं और बाहर जाके भी नहीं खाए। अगर कोई साथ है जो कि पक्का खाने वाला फिश तो ही खाए हम लोगों ने। तो इस ब्लॉग में अपन देखेंगे अपने को क्या क्या मुसीबतें आती है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं और कैसे फिश अपन। मुझे पता है बहुत मुसीबत आने वाली है, मुझे ना मास्क लेके जाना चाहिए। वो बहुत बकवास, मस्त रॉ शूट करेंगे और रॉ एडिट करके डालेंगे। सो मुझे बहुत दिनों से क्रेविंग हो रही थी फिश खाने की, तो आज थोड़ा सा टाइम था कि डिसाइड किया चलो आज अपन जाके लाएंगे और घर पे बनाएंगे। तो चलो निकलते गाइस। और आपको भी कौन सा फिश पसंद है, कौन सा, तू क्या देख रहा है कैमरा, कौन सा फिश अच्छा होता है, कौन सा फिश खाना चाहिए, फिश मासा हो तो ते पण तुम्ही सांगा कमेंट मध्ये। गाइस मैं कभी कभी इतनी बटर करती और कभी कभी कुछ ही नहीं बोलती, मतलब क्या, आगे की बात गाड़ी में करते हैं। गाड़ी में या पे, गाड़ी पे जाएंगे, अगर गली बोड़ा में जाना हो बहुत दूर है। हाँ ठीक है ना, मेरे पीछे बैठेगी तो कुछ नहीं आएगा, तो शूट कैसा करेंगे, ऐसा कैमरा होता है। तो चलो गाइस, बहुत मजा आने वाली है। ये देखो क्या कर रहा है, धूल कौन, सुबह ही साफ की थी किसने, हाँ तो जाके आया था। गाइस बहुत फुटेज आने वाले आज बहुत ज्यादा, क्योंकि कैमरा मेरे हाथ में। सो तो चलो निकलते हैं इसी के साथ। तो चलो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगते हैं वो भी पता नहीं है मुझे, तो कुछ ठीक है ना, वो बाद में देखेंगे। सो गाइस, अभी तो निकले हैं फिश लेने मार्केट में, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत, मतलब लेना कहाँ से है, कैसा लेना है और मार्केट का है वही पता नहीं, मतलब स्टार्ट होता है मार्केट, हाँ मार्केट का है वो ढूंढने से। अभी यहाँ पे अपने को दिख रहा है भाजी मार्केट, फिश किधर है, फ्रेश फिश भैया बीच में आके रुक गया, दिख रहा फ्रेश फिश मॉल, भुजबल चौक, वाकड़, पुणे। अरे इतना दूर नहीं जाने का, यहाँ होगा ना वो हाई स्ट्रीट पे, हाई स्ट्रीट पे भी लगता है ना, हाँ वो साइड में लगता है ना, तो कैसा होता है क्वालिटी पता नहीं, वो भी देखेंगे। सो चलो
गाड़ी लगाओ साइड में, क्या करते हैं अपन ढूंढेंगे गूगल पे की नियर मी फिश मार्केट कहाँ मिलेगा। चौक नहीं आज बंद है, कहाँ पे मिलता है? चाकनकर माड़ा में। थैंक यू। लेकिन पापलेट नहीं है ऐसा ऐसा नहीं किया मैंने तो उसको देख के मुंह टेढ़ा कर दिया। किसको देख के? वो फीस कट करते कर रहा था वो आदमी, उसको देख के। गाइस अभी तक तो हम लोग सिर्फ मार्केट ढूंढ रहे हैं और आगे कौन सा मार्केट कौन सा फीस लेना है वो भी पता नहीं है। सो अभी सर्चिंग चालू है, देखो वहाँ पर मिला क्या एड्रेस कुछ। ऑप्शंस तो बहुत सारे दिख रहे हैं, नियर बाय है क्या अपने पास? हाँ है का? पापलेट है दोस्त, पापलेट पापलेट फ्रेश है। कौन सा ले रहा है? हाँ प्रणव कौन सा ले रहा है? पापलेट। पापलेट एक बार पूछूं क्या? हाँ पूछना। आओ इधर। क्या पूछना है? कौन सा लेना है, पापलेट लेना है, क्या भाव रहता है कुछ भी पता? क्या देखना है? कंफ्यूज हो रहे हैं, देखते पापलेट है इनके पास फ्रेश है क्या नहीं वो देखना है सिर्फ। ये इसका बात है। सी सी हेलो, कौन सा घ्यायचा ग फिश? पापलेटच का? पापलेट आहे का? हाँ हाँ पापलेट आहे। फ्रेश कैसा है कैसे? अजून कोणता आहे विचारना? ठीक है मला सांग कोण कोण अजून कोणता पापलेट आणखीन कोणता खायला पाहिजे। पापलेटच चांगला असतो त्याला वास नसतो, बाकी अजून आणखीन काय ऑप्शन आहे? सुरमई वो नहीं बनाते आएगा आपने? नहीं जो जे सोपा है ना बनवायला ते सांग। कैसा दिया भैया पापलेट कैसा दिया? गाइस मैं नहीं जाने वाली उधर, बहुत बदबू आ रही है। अरे बर्फ पतंग काट लगो। कितना? 800 के एक किलो। ये कितना है? ये 800 किलो 540 किलो। तिला भाव विचार ना काय असतो। अर्धा चार आले एक एक हे कितने के हुए? 430। पंजाला थोड़ा छोटा है, कुछ भाव कम करो ना। नहीं ना बहुत बताया। वीडियो कॉल करूं क्या? हाँ वीडियो लगाओ। ये वाला कौन सा है? बासा। ये भी पापलेट है क्या? नहीं नहीं हलवा। ये बड़ा वाला कतला। ये क्या है? आज तो पूरा पीएचडी करेगी रे तू। अभी खाने का है तो पीएचडी करना पड़ेगा ना। फ्रेश रहता है तो कैसे पहचानते हो? कैसे? अच्छा लगा है क्या फोन? हे माझा हात हातापेक्षा छोटा है। हातापेक्षा छोटा है। कितना है भैया? 430 रुपए। बहुत ज्यादा हुआ। 430 से 4 जास्त झाला का भैया? कम करो ना इसका, कुछ कम करो ना। बहुत ज्यादा हो रहा है, एक 100 के आगे जा रहा है एक। नहीं ना ये कट्टर खाने वाले लोग हैं, उनको पता रहे, पूछ रहे हम लोग। हेलो नयन फिश सेंटर नहीं बनते थे, कमी नहीं बनते।
ये देखो भैया, हम लोग फर्स्ट टाइम आ रहे, अगर अच्छा भाव से दिया तो हम लोग कंटिन्यू खाने वाले, तो भाव अच्छा करो। ऐसे उठाओ एक, डाको ये बग, डाको ना सो उचलून डाको तन्नी। हाँ ये बगा छोटा है हाथापेक्षा। क्या है ना भैया, हम लोग हमेशा मुंबई में लेते हैं, मुंबई हाँ। में सस्ता है, मुंबई का रेट और पुणे का रेट बहुत फर्क है, बराबर है। हाँ वहाँ पे पीस पे रहता है, कम करोगे कुछ? मेरे को हमेशा लेके जाना है। नहीं ना, नहीं नहीं उससे कम नहीं हो सकता, 420 होगा। थैंक यू। काय भाव म्हटले पापले? गाइस अपन ने तो खरीद लिया है, लेकिन मऊ गई इंक्वायरी करने, देखा बस वो इंक्वायरी करके आ रही है, उसका फोन भी चल रहा है। 950 किलो, 1150 किलो फिश तो अभी खरीद लिया, अच्छा खासा प्राइस मिला है। मतलब दूसरी जगह जाके जब माओ ने इंक्वायरी किया तो वो 900 रुपए 1100 रुपए बोल रहा, तो बहुत भीड़ थी, उसके पास ज्यादा फ्रेश मिलेगा शायद, लेकिन ये जो मिला है ये भी फ्रेश है। मतलब फ्रेश कैसे देखना, तो मेरे को ऐसा बताया गया है अपने मुंबई वाले गैंग ने कि अगर उसकी स्किन लूज हो ऊपर की नहीं है। तो वो फ्रेश नहीं है, अगर उसकी स्किन टाइट हो तो वो फ्रेश है, और वो ज्यादा बाज भी नहीं मारता है। वो आइस में रखते तो टाइट ही रहेगी रे, अपन को नहीं पता चलता। नहीं नहीं आइस में भी वो ये हो जाती है, लूज होती है। हाँ ये फ्रेश है, वो दिखता भी फ्रेश था ना, तो ग्लो कर रहा था ब्लश कर रहा था। तो चलो अभी घर पे जाते हैं, लेकिन जाने से पहले थोड़ा सा भूख लगा है, इसलिए कुछ तो भी पानी पूरी खाएंगे क्योंकि बहुत टाइम लगेगा ये बनने में। चलो चलो गाइस, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तेरे भी ढाप लूंगी फिर अभी। हाँ, मैं खा ले, हाथ ही पैक है तो कैसे कहूँ। खत्म, खाना ये खा, उनको खा, एक खा, उनको खा, एक खा, मोहित के वाइट ने खा, खा खा तू वाइट है, खा खा खा, एक खा, इतने प्यार से बोल रहा है तो खाना ही पड़ेगा। पायलन है कि तू वाइट है? नहीं मने थे ना स्टोर। होगी क्या तू शांत होगी? इतनी थोड़ी सी, थोड़ी थोड़ी हुई अभी तो। अरे बहुत भूख लगी थी, चिड़चिड़ कर रही थी मेरे को, थोड़ी पानी पूरी खाई, ज्यादा नहीं खाई मैंने। एक डिश से क्या होता है, ज्यादा कुछ खाएंगे तो एक डिश से कुछ भी नहीं होता, ज्यादा कुछ खाएंगे तो फिश नहीं जाएगा ना। चार फिश है तो ऐसे जाएंगे, पता नहीं मुझे कितना खाता है एक आदमी। और जो ये खाता खाना है ना, क्या खाना है? बिरयानी भी ऑर्डर करेंगे। बिरयानी तो बोली उसके साथ ना थोड़ा सा दाल भात, दाल राइस खाओ या खिचड़ी लगा सकते हो, दोनों तीखा तीखा मत करो। अच्छा तो ठीक है देखते हैं, लेकिन पहले मुझे ना ये लेना पड़ेगा, आलू लहसुन पेस्ट नहीं है घर में, बनाने में टाइम लगेगा। सो अपन पहले अपन क्या करेंगे ना, तो अपन क्या करेंगे ना, क्या करेंगे, माहौल बनाएंगे माहौल, क्योंकि वो जो लाइट है ना अपना मल्टी कलर वाला, हाँ। वो भी वैसा है, लाइटिंग है पूरा, मत बता वहाँ पे थोड़ा सा चीजें करके। नहीं मेरे पास एक आइडिया है, वो आइडिया यूज करके अपन मस्त बहुत पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ तो पूरा चल चल छुटा चल ला सुटून सांगायला लगे। अब यहाँ लग गए थे फिश मार्केट, हम लोगों को बहुत ढूंढना पड़ेगा। कुछ क्या थी अरे? बहुत ढूंढना पड़ा। नहीं रे बाबा, आता था चल, आता चल, आता चल, आता चल, आला आला लहसुन पेस्ट है कुठे काय वेंजेंस 50 रुपीज। और क्या लेना है? 2035 पर्यंत चालणार आहे, ऑगस्ट महिन्यापर्यंत। कितने का ये? और क्या लेना है? बनाना तेरे को, पूछ मेरे को रही है।
मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, फिर मुझे कैसे पता है। ठीक है चल, हो गया, बस देखने लेने का। अंकल चिप्स लो क्या 20 रुपए के? ठीक है बस हो गया। अबे पागल, यहाँ आ गया पर वो डिक्की में का स्टफ कौन लाएगा? अच्छा हो गया कैमरा चालू था, रियल टाइम कैप्चर हो गया। मतलब कितने गनमने हैं अपन से भूल गए अपन। हाँ टायर के, मैं तो टायर के चक्कर में भूल गया, मैं तेरे चक्कर में भूल गई। गाइस पापलेट लिया है और प्रॉफिट बोलते हैं प्रॉफिट, ओके इधर गांवठी लोग पापलेट बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या क्या बोलते हैं, मासे मासे। ठीक है सो मुझे एक बात पूछनी थी, आपके यहाँ पुणे में तो 800, 900 और 1000 रुपीस समथिंग भाव है, और मुंबई में यही चार पापलेट सिर्फ 200 रुपए में, नहीं 200 200 आपने कहा 400 में आए, हाँ तो वहाँ 200 में आता है, सो कोकन में तो मुझे लगता है इससे भी सस्ता होगा, सो प्लीज आप कमेंट करके बताओ कि मुंबई और कोकन का रेट सेम होगा, कोकन में बहुत और भी कम लगे लगता है मुझे ऐसा लगता है, सो प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि आप अगर परचेस करते हैं आप आपके सिटी में तो प्लीज भाव बताइए कि क्या भाव होता है ये पापलेट का और मांडेली का और कौन कौन से फिश होते हैं। बहुत होता है, हलवा होता है, मांडेली होता है, पापलेट होता है, सुरमई पता है मुझे, सुरमई होता है, प्रॉन्स और कुछ तो है, प्रॉन बहुत होता है, बोम्बिल होता है, बोम्बिल मासा है, बहुत गंदी बदबू आती है उसकी, बहुत गंदी बदबू आती है बोम्बिल की और इसको बहुत ज्यादा पसंद है। अरे वो बोम्बिल मैंने अभी तक ड्राई बोम्बिल पता है, मैंने नहीं खाया अभी तक, प्राजक्ता ने दिया था लेकिन मुझे उतना तब पसंद नहीं था फिश का प्रकार। सो आज प्रणव बनाने वाला है, मैंने यहाँ पे सब क्या क्या करना है, मसाला पहले क्या करने का, मेरा मसाला तो बना के दे, फिर वो मैरिनेशन के लिए मैं लगा था, मैरिनेशन उसमें ही डालना है उसके ऊपर डायरेक्टली, और ऐसे ऐसे लगाना है सबको, ऐसे अंदर जाना चाहिए, नहीं वो नहीं चाहिए, वो बाद में चाहिए। तो हाँ गरम मसाला, फिश फ्राई बाय प्रणव चौधरी, हाँ डालो। मुझे क्या लगता है पहले नींबू लगाओ, मसाला बाद में लगाएंगे। गाइस अभी तीखा, थोड़ा सा तीखट ही बनाएंगे, ये देखो हाँ थोड़ा सा तीखा बनाएंगे यार, तो खाने में मजा आएगी, ऐसा फिक्का फिक्का नहीं पसंद, बहुत तीखा हो जाएगा नहीं तो। क्या है वो? थोड़ा धना पाउडर, अच्छा वो धना पाउडर है, हाँ और जीरा पाउडर वो भी डालती हूँ, ये जीरा, ये जीरा पाउडर थोड़ा पकड़ खा लो। सो गाइस अभी जीरा पाउडर वो निकाल, थोड़ा ही लगता है जीरा पाउडर, ज़्यादा नहीं लगता, ओके हल्दी डालते हैं या पता नहीं, अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, ये सबसे मस्त, हाँ इससे बहुत अच्छे टेस्ट आती है हर चीज़ को, हर सब, हर भाजी सब सब सब, कितना है? बस नमक मेन आइटम रह गया था गाइस, इससे तो हर एक चीज इम्पोर्टेंट होती है, ऐसा कुछ नहीं। अगर लहसुन लहसुन जिंजर की पेस्ट भी नहीं ना तो भी टेस्टी नहीं लगता, काला ये रह गया, काला काला नहीं कांदा मसाला, कांदा लहसुन मसाला रह गया गाइस,
से ज़्यादा नहीं अच्छा लगेगा शायद। करो मिक्स सब चीज़, इसको भी 15-20 मिनट मैरिनेट करके रखेंगे। मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। अभी फिश बाय मृणाल नहीं होगा? फिश बाय मृणाल नहीं होगा। सो ये अभी मैरिनेट होगा, इसको मैरिनेट करते हैं। थोड़ा सा अंदर जाएगा मसाला, पिएगा खाएगा। तो गाइस अभी इसको थोड़ी देर में अपन करेंगे फ्राई, लेकिन ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि इसको मैरिनेट करने देते हैं और अगले वीडियो में बहुत भारी मजा आने वाली है गाइस। स्टे ट्यून्ड नेक्स्ट व्लॉग। लड़की छोड़ो, पीछे देखो पीछे, ये तो कुछ नहीं है, बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, मजा आने वाला है। आप अगले व्लॉग में आओ, बहुत अच्छा मिलेगा। तो चलो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो किसी भी कारण पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, जो भी लग रहा है कमेंट में बताना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। बाय द वे ये पापलेट अपने को मिला 800 रुपीज केजी, 800 रुपीज केजी, वो 500 ग्राम से भी ज्यादा था, इसीलिए अपना बिल हो गया 433 रुपीज। एंड वो आदमी ने अपने को 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, इसलिए 420 रुपए के 4 मच्छी लेके आए हैं। लेकिन ये अगर आप मुंबई में लेने ही जाओगे तो मुंबई में आपको 4 मच्छी आएगा 200 रुपए में। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिटीज। हाँ समझ रहे। तो चलो गाइस टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड स्टे सेफ।